लेकिन मुझे नहीं लगता वो रहेंगे, क्योंकि इस तालाब का जो पानी है वो हाईली, मुझे नहीं करना कुछ भी, मैं जा रहा हूँ आगे बहन। चलो भाई, निकल चुका है एक बहुत ही जहरीला दिन आज, और जाने वाले अपन घूमने के लिए बहुत ही खतरनाक सी जगह, जिसके बारे में तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन प्रत्यक्ष अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। और आज के व्लॉग में सबसे खुशी की बात यह है कि व्लॉग मैं करूंगा, खुद मैं। तुमने देखा होगा पिछले किसी व्लॉग में किसी मनहूस से चेहरे को देखा होगा, कहीं वो चेहरा ये तो नहीं? तो ये ऐसे मनहूस चेहरे आपको देखने को नहीं मिलने वाले इस बार। एक बंदा हमारा पॉटी करने गया है, ये हमारे 6 फुट के खली, 60,000 सब्सक्राइबर है हमारे, मत कर। ये हमारे भाई हमसे काफी दूर से मिलने के लिए आए हैं, आप इनको पहचानते होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये है लेजिट सागर है हमारे बहुत ही पुराने दोस्त, तो काफी बड़ा ट्रैवल वगैरह करके यहाँ पे आए हैं। चलो भाई, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलने की बारी है, लेकिन उससे पहले हम हमारे पुराने घर में जाके थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे घर वालों ने खाना बनाया होगा तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं। बाहर जाके तो हम कुछ भी खा ही सकते हैं, लेकिन जो बना हुआ है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलो भाई, आपके पुराने घर पे आ चुका हूँ, ये हमारी दादी जी खाना बना रही है। क्या क्या बनाया है? गोभी की भाजी वरण, अजून भात, चटनी, लहसुन जगह। अच्छा, आज कुछ नहीं। चलो भाई, खाते हैं अभी खाना वाना, उसके बाद में निकलने की कोशिश करेंगे जल्दी। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे बहुत ही करीबी दोस्त। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलो हम इसका भी फेस रिवील कर देते हैं, ज्यादा बकचोदी ना करे हुए। ट्रेव भाई की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी ये कोई भी काम टाइम पे नहीं करेगा। तू जाए ना कुछ तरी। गाइस, सुबह के 8 बजे निकलने वाले थे, लेकिन अब बज चुके हैं 2:00 PM, लेकिन हम अब तक नहीं निकले, तो मैंने सोचा थोड़ी दाढ़ी वाड़ी सेट कर ली जाए। ये हमारे हेयर स्टाइलिस्ट है, इनका नाम है बच्चू भैया। हमारे बच्चू भैया, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हम नहीं, हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमको काम है ना अभी। अच्छा, काम है ये पुरगा लेवल का बसेवा है। चल यार गाइस, अभी निकलते हैं, 2 बज चुके। चलो, रास्ते में भी देवी माता का मंदिर पड़ रहा था। गोलू भाई, दर्शन किया क्या? हाँ, क्या किया? बढ़िया। मैं यहाँ पे बहुत ही छोटा था तब आया था। माता जी को याद करे वो लोग निराले होते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। आज हम लोनार को जाने वाले थे गाइस, लेकिन हमारे दोस्त लोग थोड़े पीछे रह गए, और मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को पीछे छोड़ना, जिसके वजह से हमने पूरा व्लॉग ही, मतलब पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। अभी आज नहीं जा सके, लेकिन कल जरूर जाएंगे, लेकिन हमारे योगेश भाई कल हमारे साथ नहीं होंगे। अरे अरे, क्या देख लिया भाई? दोस्तों, भाई इतने नसीब वाले है कि उन्हें हम जैसे दोस्त मिले। गाइस, इसके बारे में मतलब ये कुछ भी कहेगा ना, इसका सुनना मत, क्योंकि ये कुछ भी लगा रहा है। ट्रेव भाई, मुझे प्रसाद दे दो थोड़ा सा। देखो, और आप बोल रहे ट्रेव भाई बहुत अच्छे मेरी जान है दोस्तों। ट्रेव भाई मेरी जान, शर्म करो, भगवान से डरो। गाइस, डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं अभी, लेकिन रास्ते में जाते जाते कोई नॉकआउट वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी। गोरू भाई, आप गना के साथ जाइए और एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके आइए, मैं तब तक पानी का इंतजाम करता हूँ। ये टोपी वगैरह पहननी पड़ती है गाइस, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 1 का ये, लेकिन ये पानी से बॉटल दया बरा ठंडा था, एकदम चिल्ड लागता था रे पानी, लागते तेवढं। मग मी सांभाळू का? तू नाही सांभाळणार, तुम्ही मला येड्यात काढायले। ज्याला जे जे घ्यायचं ते पटापट घ्या, लवकरात लवकर टाइमपास करू नका। हा भाई, इतने झिमझिम करते भाई, ये लोग क्या करे? बॅग भारी हो रही मजदूर। अरे भाई 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 भाई, इतनी बड़ी बैग लेके नहीं चल सकते। बांट दूंगा मैं सारी बोतलें, बांट दूंगा पानी की। एक मिनट, मैं एनर्जी ड्रिंक लेके आता हूँ गाइस, रुको। भाई, हमें यहाँ पे मेडिकल नहीं दिख रहा था, लेकिन ये भैया हमें दिख गए। आपका नाम बताइए सर? अक्षय भैया। सर की शॉप है लोनार में, अगर आप आए तो, अगर आपको कुछ भी दवाई वगैरह लेनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। धन्यवाद। ये तो सर, धन्यवाद। चलो भाई, ले लिया एनर्जी। क्या मेरे, चला आत मग, खाली खाली मंदिर है देवीचा, देऊन टाक। चलो यार गाइस, निकलते अभी अंदर की तरफ, अब से हो रहा है अपना स्टार्ट ब्लॉग। और साइन इतना ही बोले, अनपढ़ है मेरे को साइन नहीं आता। अब भाई चलो ना अंदर, क्या कर रहे हो तुम लोग? फ्रूटी ऑन वीडियो कॉल। हेलो फ्रूटी भाई, कैसन बा?
बढ़िया हूँ, जा रहा हूँ घूमने के लिए। फ्रूटी गेमिंग आने वाला था गाइस, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि वो बहुत दूर रहता है, मुंबई में रहता है वो। सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनती बंदा है तो वो है हमारे ग्रुप का गोलू भाई। अब बैग तो मैंने पकड़ी है, लेकिन गोलू भाई को दे दे, वो भी वो रख लेगा। असली माल दिखाता हूँ तुम्हें, अभी बहुत देर हो गई बकचोदी पीलते हुए, अब दिखाता हूँ तुम्हें सीरियस मामला। ये है भाई हमारे यहाँ की सबसे कीमती चीज, मतलब की जगह, इसको कहते हैं लोनार, लोनार द क्रेटर। ये देखो, अब तुम्हें यहाँ से दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन नीचे जाने में भाई बहुत फटने वाली हमारी। ऑब्वियसली अब जो व्लॉग देख रहे हैं उनको पता लगेगा मैं यहाँ पे आ चुका था, लेकिन यार भाई लोग मैं सच में कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत लेट हो जाता अगर मैं ना तुमको बुलाता, उसके बाद में मिलते हम सब लोग, तो बहुत लेट हो जाता, सच कह रहा हूँ। और बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब से ये क्रिएट हुआ है तब से लेके आज तक इसका पानी बंद नहीं हुआ है। अंदर पहले जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अभी आजकल इन्होंने बंद कर दिया है। पहले हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो आ जाते थे अंदर, मतलब वहाँ पे नहाते थे, लेकिन अभी जाने नहीं देते लोग। अब हज़ारों सालों से ये मंदिर होगा ना यहाँ पे, अभी तो ये तहस नहस हो चुका है, यहाँ पे भी होती होंगी दीवारें वगैरह सब कुछ, लेकिन क्या है ना सीन, अभी ये पूरा शायद ढह चुका है। लेकिन ये जो पानी दिख रहा है आपको, ये कभी भी बंद नहीं होता भाई। गर्मी के दिनों में थोड़ी सी इसकी धार जो होती है पानी की कम हो जाती है, लेकिन पूरा बंद नहीं होता ये, बहुत ही रहस्यमय तरीके से। और ऐसा ही एग्जैक्ट नीचे भी एक है झरना, क्या कहते हैं उसको, एक धार, पानी की धार कह सकते हैं कि नहीं, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती गाइस बढ़िया से, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना अगर गलती से कुछ बोल दूं मैं। लेकिन भाई आज करेंगे भाई पूरा पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा ये देख के, मजाक भी नहीं कर रहा मैं। ओह शिट शिट भाई, मैं इतना एनर्जेटिक लग रहा हूँ अभी, लेकिन नीचे जाते जाते रहूँगा नहीं उतना भाई, मेरे तो अभी से पैर कांप रहे हैं नीचे जाने के बाद, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा मेरे साथ में। देखते हैं अभी। अब यहाँ पे कहा जाता है कि कम से कम 50,000 साल पहले एक बड़ा सा उल्कापिंड गिरा था, जिसकी वजह से ग्रेट हुआ है। अब हमें तो बचपन से ही कहा गया है भाई सारा का सारा एक्सप्लोर आज ही कर देंगे, लेकिन मेरी तो फट रही है अभी। कर रहा है बाबा, उठ उठ उठ। मैं हूँ पूरा एक्साइटेड, क्योंकि ये लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन मैं नहीं आया, मैं अभी नया हूँ यहाँ पे, मैं फुल एक्साइटेड हूँ अभी, घूम के बहुत दूर जाना है। चलो इसका भाषण हो चुका है, इसको मैं कट कर दूंगा। मैंने उसको बोला कि हम वेल्डिंग की मशीन लेके चलते हैं साथ में, जैसे ही फटे वैसे सील देते हैं, सील देते हैं, वेल्ड कर देते हैं, वेल्डिंग करके। तो इतनी हंसी लगी हो भाई, मेरा पैर दर्द कर रहा है। मैंने क्या किया था पता है, वजन कम करने के लिए मैं रनिंग करने जा रहा था, और एक तरफा मुझे यहाँ आना था ना, तो मैंने कहा कि इस साइड आने के लिए मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करूंगा, जिसके वजह से जैसे दम नहीं आएगा, यही कहते हैं शायद हिंदी में। लेकिन भैया यहाँ पे आने के बाद फट ही जाती है, कितना भी कुछ भी कर लो। अभी नीचे जाते जाते वेल्डिंग मशीन लेके जाएंगे, फट गए तो वेल्ड कर देंगे। दर्शकों की यहाँ पे कमी है क्योंकि आज मुझे लगता है संडे नहीं है, लेकिन अगर संडे होता तो बहुत सारे लोग आ जाते। हाय का रास्ता खाली नक्की का, तुम्हें खा लो लेगा देवी बसुन। बर लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, साइंटिस्ट लोग रिसर्चर करते वगैरह है यहाँ पे आके, लेकिन उखड़ता कुछ नहीं उससे। आ जाओ गाइस, ये जो बसंती तुम्हारा वेट कर रही है नीचे भाई, खाली नहीं गला कर, तू खाली नहीं गला का कौन रे, एकटा जा लगा। गाइस मैंने जो कहा था नीचे भी एक झरना है, थोड़ा सा मतलब पानी की धार है, ये वही है। अब ये उस मुकाबले बहुत ही छोटी है, लेकिन भाई इसमें भी पानी चलता रहता है 24 घंटे 12 महीने। रहस्यमय घटनाएं होती रहती है यहाँ पे गाइस, मैंने सुना है रात में यहाँ पे एलियंस आते हैं, इसलिए हम रात में नहीं गए। इसका मैंने इतना खर्चा करके कैमरा लिया और ये बार बार हॉट होके बंद हो रहा है। दीदी आराम से, इसको पानी में डुबाना ही पड़ेगा थोड़ा। सर्वांना घेतो तान नका घेऊ अजिबात, इसको पानी में एक बार नहाना ही पड़ेगा इसको, तभी इसका होगा कुछ। अबे तो गुलाबी मराठी हो रहा है, गुलाबी हिंदी बोल रहा है। वो नहीं क्या 3 इडियट का डायलॉग है, होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं, वैसे ये भी है, पानी पीना सबको है लेकिन लेता कोई नहीं। मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ भाई, बहुत बहुत बार, जो आसपास के बंदे उनको पता भी होगा, उन्होंने वीडियो देखा होगा मेरा। अभी पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई रास्ता वगैरह है कि नहीं सही, उसके बाद में फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो
उघडा आहे का हा रस्ता? नक्की नक्की हो ना, ते बसले राहते ना खाली काय नाही देवीचं मंदिर आहे. अबे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कि ये बार बार गरम क्यों हो रहा है. 10 रुपए का कैमरा, इतना पैसा मैं इसलिए दिया था कि इसको इतना तो यूज भी नहीं किया मैंने इसे. क्या मतलब चोर बाजार से लाया था? चोर बाजार मेरे लसन पे. गुरु भाई ये कैमरे का क्या हुआ? इस कैमरे को ऊन लग गया तो इसलिए वो उसको ताप आ रही उसको. नीचे जाने से पहले हमें यहाँ पे एक टिकट फाड़ना पड़ेगा. 30 सेंसर और भाई कैमरा के 200 रुपए लग रहे भाई. यहाँ पे 7 लोग हम साहब. ये भाई यहाँ का चार्ट जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है अडल्ट. हम अडल्ट में आते हैं क्या गाइस? छोटे छोटे बच्चे हमारी शादी नहीं हुई अब तक. भाई मैंने इतनी मेहनत करके एनर्जल लाया था और उस मनहूस बंदे ने पूरा मूड का भांग बड़ा कर दिया. भाई ये देखो कहाँ है भाई एनर्जल, कहाँ है? ऊपर रह गया गाइस, ऊपर रह गया. अब जो हर बार ऐसी बकचोदियां क्यों करता है? मैं समझ गया. मुझे माफ कर दो ट्रे भैया, मैंने तुम्हारे दही बल्ले नहीं खाए. हमने पानी लाया था, उसके साथ एनर्जल लाया था. हमारे गणेश भैया जो कि बहुत ही देर शाने हैं, उन्होंने वो गाड़ी में ही भूल गए. भाई क्या कर सकते हैं. ये ऐसे पेड़ पौधे भाई पूरी दुनिया में तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेंगे. ये बहुत ही रेयर पेड़ पौधे हैं. यहाँ पे जानवर भी है. मैंने कहा यहाँ पे शेर चीते वगैरह है, हाथी जिराफ घोड़ा लसन, ये बहुत सारी प्राणियों की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे. और अब तक मैंने जो भी कहा वो सब झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं. यहाँ पे इधर मिलेंगे सिर्फ सांप. सांप मिलेंगे और वो भी अभी सूख चुके हैं सारे सांप. गुरु भाई व्हाट इज योर रिएक्शन? बहुत थक गए अभी. थक गए? हाँ. क्यों इतनी जल्दी थके? अरे मैं अभी कहाँ जाता नहीं हूँ तो इतना दूर मतलब वो होता है ना. क्या होता है वो? थकना मतलब घर में पड़ा रहता हूँ हर बार. गेम खेलते रहते हो? हाँ गेम खेलता रहता हूँ. तो आपने लाया इधर? ए मुखे पैसा रे. अब यार ये लोग हमेशा इन बड़े लोग को बाहर आगे जान देता हूँ, उसके बाद में करता व्लॉग. यार मेरे को व्लॉग नहीं निकालने दे रही है. जब एंट्री कर रहा था तो मेरे को लोग फॉरेनर समझ रहे थे. मैंने मेरे दोस्तों को मराठी में गाली दे दी एक और वो लड़की ने सुन लिया. ये सबसे बड़ी मुझे लगता है दुविधा होती है, दुखद स्थिति होती है इंसान के लिए कि कोई लड़की आपको गाली देते वक्त सुन ले. हालांकि लड़कियां लड़कों से ज्यादा गालियां देती है, लेकिन क्या है ना थोड़ा सा होता है वो रिस्पेक्ट नामक एक चीज. यहाँ पे जानवरों को पानी पिलाया जाता है और वहाँ जानवरों को खाना खिलाया जाता है. क्या कर रहे हैं भाई लोग? खाना खा रहे भैया. क्या बात है, यहाँ पे खाना चल रहा है अभी. गालियाँ पानी की तरह बहती है भाई जब दोस्त साथ में होते हैं, तो इसीलिए मैं पानी साथ में लाया हूँ. गाइस आधा रास्ता भी नहीं हुआ है पार, लेकिन अभी से लग रहा है कि क्या क्या होने वाला है अभी आगे जाके. तब जितना पानी लगा था इस बार उतना पानी लगा है ना? नहीं, क्योंकि क्या है ना सीन गाइस, हम पिछली बार मेरे फेस्टिवल के वीडियो के लिए आए थे यहाँ पे. वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी किया, पूरा सब कुछ किया शूट, लेकिन मुद्दा ये हुआ कि वो हमें स्टोरी पसंद नहीं आई थी, तो फिर हमने वो पूरा डिलीट कर दिया और दूसरा शूट करके आपको दिखाया. क्योंकि क्या पता है मालूम क्या, जो हमारे डायरेक्टर साहब थे योगेश, शुरू से इतना बेवकूफ डायरेक्टर है हमारा वो. यहाँ पे योगेश शुरू से चाहिए था कि नहीं? नहीं, यहाँ पे योगेश शुरू से चाहिए था कि नहीं? हाँ योगेश शुरू से चाहिए था कि नहीं? यहाँ पे योगेश सूर्य चाहिए था, वो नहीं करने चाहिए था. मैंने क्या आपके साथ 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पे इसके पहले. तो जब मेरे पीठ पे एक बैग थी, मेरे पास कैमरा था, एक कैमरा का स्टैंड था, तब भी मुझे ऐसा कभी लगा नहीं. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे लाशें बनने वाली है? अभी तो लाशें बनेंगी, सबकी बनेंगी. मेरे हेयर स्टाइल को इग्नोर मारो, एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता. मेरे भाइयों सब लोग सॉरी, मैंने एनर्जी लाया था लेकिन वो मैं ऊपर ही भूल गया. हाँ ना यार, काम था काका? ना ना बिल्कुल ना, आजी बात नहीं. काका इधर वहाँ का नहीं, बिपटे वगैरह का बापा बापा बिपटिया हो सकता है भाई, चिपटिया हो सकता है. मुझे लगा था गोलू भाई अपने जो है. ओहो राम राम भाई तकती ना हरा ना तू भी राम ना मजाक मजाक कर रहा है क्या कर रहा है? अरे बस खत्म कर गोलू भाई. मेरे भाई क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं कुछ नहीं. तो यहाँ पे क्यों बैठ गया भाई? गोलू भाई के लस्तर थोड़ी थकान दिख रही है. थकान दिख रही है? कहाँ दिख रही है? पैर में. पैर में दिखाओ. नहीं दिखती, हाथ में है ना. हाथ में है क्या वो? हाथ में है भाई, थकान हाथ में है भाई. मेरे गुड़गे दुख रहे हैं, गुड़गे आ ही जाता है बीच में. ओह शिट, बंदर 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 दिख गया, बंदर दिख गया, बंदर. एक बहुत ही अलग प्रजाति का बंदर है गाइस, ये देखो. आप क्या खाते हैं? केला? केला खाता हूं मैं, काला वाला. छिलका खाते? छिलका. छिलका खाते हैं क्या? छिलका खाते हैं. ऐसा चल के दिखाओ, थोड़ा सा पीछे संभल के गोटे फोड़ दोगे.
चलो चलो बस हो गया बंदर आ जाओ। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों को मैंने आगे भेज दिया है ताकि मैं शांति से व्लॉग पेल सकूँ थोड़ा सा, है कि नहीं। हम हमारी मंजिल से बहुत ही नज़दीक है, अभी नीचे जाते हमें वो तालाब दिख जाएगा जिसमें बहुत ही बड़ा उल्का पिंड गिरा था। जैसे कि भाई जंगली जानवरों की आवाज़ बहुत आती है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार की आवाज़ आ रही है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुनी है। कहते हैं लोग, मतलब कि कहा जाता है ऐसा कि यहाँ पे है तेंदुए वगैरह जैसी प्रजातियाँ, लेकिन मुझे नहीं दिखा, हो सकता है इस बार दिख जाए, और दूर से दिखे तो बहुत ही बढ़िया। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास में आए हो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मटन मिलेगा उसको। बहुत वज़न है भाई मेरा, 70 किलो है शायद। अब इनको पता नहीं क्या हो गया भाई, आगे क्यों नहीं जा रहे, क्या हुआ, क्या दिखा? अब तुम लोग कह रहे होंगे कि भाई ये लकड़ियाँ यहाँ पे क्या कर रही है। तो सीन क्या होता है ना भाई, बरसात के दिनों में जब यहाँ पे कोई आता है तो ये जो तालाब है मेरे सामने उसके अंदर का पानी यहाँ तक आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पानी था यहाँ पे पहले, लेकिन क्या है ना वो लकड़ियाँ वगैरह डालने से थोड़ा सा रास्ता बन जाता है। फिर भाई एक बार मैं और मेरे दो दोस्त आए थे, हम तीनों आए, ठीक है। पहले वहाँ से रास्ता था, मतलब एकदम डायरेक्ट तालाब में जा सकते थे, तो हम वहाँ पे गए, ठीक है भाई। पानी समझ लो 15-20 मीटर दूर है हमसे, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई वहाँ तक तो हम जा ही सकते हैं कि नहीं, पैर वैर उसमें डुबाएंगे थोड़े से चिल मारेंगे। लेकिन भाई मैं जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा ना, तो मैंने समझो ऐसे पैर रखा ऐसे ज़मीन पर ऐसे, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी धरती हिलने लगी ऐसी। मैं समझ गया भाई इसके नीचे पानी है, और ये पूरा छलावा है, कीचड़ था वहाँ पे पूरा, बहुत ही खूंखार जगह ये। मैंने बहुत सारे मंदिर स्किप कर दिए ना, वो जाते जाते अपन करेंगे कवर। और भाई जिस घड़ी का हम वेट कर रहे थे वो ये रही। कितना बढ़िया है, देखो पंछी वगैरह मस्त बढ़िया तैर रहे हैं। अब ये कितना गहरा है कितना नहीं मुझे नहीं पता, मैं आगे जाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। ये देखो यहाँ पे मैंने सुना है यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह भी रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो रहेंगे, क्योंकि इस तालाब का जो पानी है वो हाईली, मुझे नहीं करना कुछ भी, मैं जा रहा हूँ आगे बांध। भाई पता नहीं किस जानवर की आवाज आ रही थी मुझे वहां पे, मैं फट गई मेरी, मैं आ गया भाग के। मेरी शादी नहीं हुई गाइज, मुझे कुछ भी मत करना दोस्तों। ये देखो दिखा क्या कुछ, ये देखो गाइज हमारे यहाँ की ब्यूटी, 50,000 साल पहले का एक तालाब बना हुआ एग्जैक्ट अपने सामने है। इसके अंदर बहुत सारे पंछी दिख रहे होंगे आपको, जिनको मार डालने का मन मुझे बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाना चाहता कभी भी। और भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ा उल्कापिंड गिरा था जिसके वजह से ये तालाब बना है, इसके अंदर उसके अवशेष अब भी बाकी होंगे, और हम उसको निकालने बिल्कुल जाने वाले हैं अभी इसी वक्त। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि ना औकात के बाहर की चीज़ें। गायकवाड़ साहब क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हो, शाबाश, यही उम्मीद थी, पंछी मार दिया रे इसने एक। चलो आ जाओ गाइस चलो। भाई मेरा पैर दुख रहा था तो मैंने पेन किलर खा ली, फिर भी मेरे पैर दर्द कर रहे, सोचो अब तुम। हो सकता है यहाँ पे एलियन एक्टिविटीज भी होती होंगी, लेकिन रात में यहाँ पे कोई रुकता नहीं ना। ये उनमें से एक मंदिर है भाई, ये भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर है शायद। इसके अंदर भी जाएंगे लेकिन आते आते जाएंगे, अभी नहीं। हमारे आधे से ज़्यादा बंदे अभी बिछड़ चुके हैं, उनकी फटकी हाथ में आ गई। मैंने पहले ही कहा था नीचे जाते जाते हमारे लहसुन लगेंगे और ऊपर आते आते अपनी पेटी बनेगी। अभी जाते जाते ये थोड़ी नॉकआउट हो रही, इनकी HP थोड़ी लो हो चुकी है। जैसे ये थोड़ा ये और जाएंगे इनकी पूरी पेटी बनने वाली है, धुआँ निकलेगा हरा हरा। लाल निकलेगा, लाल मैंने उसका इफेक्ट चेंज किया है, इसका लाल धुआं निकलेगा भाई, मिर्ची खाता है ये। एक ही जुगाड़ देख। अबे एसिड डालने के लिए जो लगती है ना वो। मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे बना होगा। नहीं नहीं, एक बड़ा सा उल्का पिंड गिरा, उसके बाद में क्या यहाँ पे स्थिति होगी, एकदम आग आग होगी, पूरा ज्वालामुखी की तरह ये उगल रहा होगा वो ज्वालामुखी।
है कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर गिरता है ना, अब छोटे से पत्थरे से वो पूरे डायनासोर की पॉट निकल गई थी, तो ये तो बहुत ही बड़ा है ना भाई, ये कम से कम 5 किलोमीटर बड़ा पत्थर होगा कम से कम। मुझे लगता है इंडिया में डायनासोर के अवशेष मिलते नहीं या फिर कम मिलते हैं, उसका रीज़न यही है, डायनासोर यहीं पे अपनी छुट्टियां मना रहे होंगे पिकनिक वगैरह, वो ऊपर से आया मार दिया सब डायनासोर के, लग गए लसन। हड्डी डायनासोर की, डायनासोरों की हड्डियां बिखर चुकी यहाँ पे, उधर उधर कंकाल है डायनासोर के। हमारे इधर इंडिया में कुछ नहीं रहता भाई, तुम्हें तो पता है, यूएसए में अगर कोई डायनासोर का अवशेष मिल गया तो उसको मस्त पैकी म्यूजियम में लगाएंगे, पैसा छापेंगे, और हमारे यहाँ पे अगर डायनासोर का अवशेष मिला आधे से ज्यादा लोग तो पहचान ही नहीं पाएंगे, 100 से ज्यादा लोग कहेंगे भाई ये कुत्ता था, डायनासोर को कुत्ता बना देंगे। मुझे लगता है यहाँ पे आने में हमें 1.5 घंटा लगा है कम से कम। अभी एंडिंग है यहाँ पे, देवी माता का मंदिर एग्जैक्ट मेरे सामने है, पूरा ही एकदम ऐसा कटोरी की तरह बना हुआ है, कढ़ाई जो होती है ना पूरी उस तरह से एकदम पूरा ऊपर तक, वहां से आए हम, कांचा बन जाता होगा इस कांचा दोस्तों। आ गए आखिरी डेस्टिनेशन, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ये रहा देवी माता का मंदिर। परिसरातील कचरा पेटीत कचरा टाका, वर ठीक है बाबा टाकतो, कचरा आम्ही करतच नाही बिल्कुल। और ये देखिए, सिर्फ देखिए नज़ारा बढ़िया से देवी माता के मंदिर का। ये रहा मंदिर, काफ़ी पुराना है, पुरानी शैली का मंदिर है ये। अब ये पानी भी देखो कहाँ से आ रहा है, तो कुछ पता नहीं, सबको पता है पानी कहाँ से आ रहा है, तो ये पाइप का पानी है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन शायद बोर वगैरह बोरवेल लिया हुआ किसी ने, लेट्स सी। बहुत ही बढ़िया, अब देखते हैं। मंदिर बंद हो चुका है भाई, 5 बज चुके हैं ना, जिसकी वजह से मंदिर बंद कर दिया इन लोगों ने। शूज़ वगैरह निकालो सब कुछ। जय माता दी, कितना प्यारा है भाई ये, पूरा एसिडिक पानी जिसकी वजह से ये देखो क्या हो गया पूरे पानी में, 150-200 मीटर तो होगा ये भाई गहरा। भाई मंदिर में इतना ठंडा लगता है ना, मतलब एकदम चिल्ड एसी, नेचुरल एसी है। ये क्या होगा, ये मुझे लगता है ना दिए वगैरह जलाने के लिए बनाया होगा इन लोगों ने, देखो। अभी मैं मंदिर के पास जाने वाला था अंदर की तरफ, लेकिन हमारी माताएं वहाँ पे पूजा पाठ कर रही है थोड़ी, जिसकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ। अब ये क्या है भाई कुछ साल पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले आया था, तब ये जो सामने मेरे दिख रहा है आपको, ये सही था सब कुछ, मैं यहीं पे बैठा हुआ था इस वाली जगह पे। और अब देख रहा हो तो पूरा टूटा फूटा है, मुझे लगता है बारिश के दिनों में पानी बढ़ चुका होगा यहाँ पे, और ये पूरा पानी इसके ऊपर आ गया। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन ये जो तालाब का पानी है पूरा खारा है, और मैंने सुना है कि बीच बीच में ये मीठा भी है, मतलब कि खारा और मीठा दोनों। और मुझे लगता है कुछ साल पहले की बात है, इसका पानी जो है पूरा वो हो चुका था, पिंक टाइप का हो चुका था पूरा पानी। इसमें कुछ अजीबोगरीब बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मुझे पता है, मेरे हमारे टीचर है बहुत ही आदरणीय अढ़ाव सर, डॉक्टर अमोल अढ़ाव सर, उन्होंने मुझसे मतलब हमें वो बार बार बताते रहते थे कि भाई लोनार पे जाओ, वहाँ पे तुम स्टडी वगैरह करो, क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट था ना उनका, तो बहुत ही एक्सपीरियंस है भाई उनको हमारे लिए, तो वो कभी भी तैयार रहते थे, कुछ भी पढ़ाई के बारे में कुछ भी होना तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। सर हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, पहले भी थे अब भी है, आजकल जाना होता नहीं क्योंकि काम बहुत बढ़ चुका है ना, अभी उनको भी बढ़िया से स्टूडेंट मिल गए होंगे हमसे भी अच्छे वाले, है कि नहीं सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लेकिन भाई कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं, हमारे सर हमको याद आते हैं, बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं जो मुझे बहुत याद आते हैं, उन लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे। मुझे कैमरा माइक ये सब चीज़ों का शौक़ नहीं था, मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे उसका, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत ही सीखे दिए, जिसके वजह से मैं ये सब कर पाया। हमारे आर्ट्स फैकल्टी की डॉक्टर पल्लवी देशमुख मैडम, और अपने खोटे सर थे, मुझे स्टेज में जाने में डर लगता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया कि भाई क्या क्या करना है, कैसे करना है, नाटक वगैरह ये सब चीज़ें, एक्टिंग डांस, उन लोगों का हम पे बहुत बड़ा कर्ज है। हर एक टीचर का अपने स्टूडेंट पे होता ये कर्ज, और वही हमको अदा करना पड़ता है कि नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें थोड़े पैर डालूं, लेकिन हो सकता है अंदर से कोई एलियन आके मुझे पकड़ ले, क्योंकि अभी देवी माता भी कुछ नहीं कर पाएंगी, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया ना मंदिर का। चलो तुम कभी पीछे से मंदिर दिखाता हूँ। मैंने भाई चप्पल पहनी हुई नहीं है, हो सकता है मेरे पैर लहूलुहान हो जाए,
लेकिन मुझे दिखाना ही था। अब ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही पुराने प्रकार से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर हम मनुष्य जो है ये अभी मॉडर्न ज़माने के लोग कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो दो दिन में टूट जाता है, लेकिन ये देखो सालों से यहाँ पे खड़ा है। अंदर से दिखाओ भाई साहब। बस 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 बहुत हो गया, भगवान जी को डिस्टर्ब ना करे, आ जाइए वापस। इतने पुराने पुराने मंदिर है भाई हमारे यहाँ पे, ये एकदम अनटच जगह है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं। अब कितने सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा कि ये जो है ये उल्का पिंड से बना हुआ स्ट्रक्चर है पूरा, ये जो है ना पूरा, मतलब कि ये मंदिर नहीं बना है उल्का पिंड से, ये स्ट्रक्चर ये जो पूरा है ना ये एरिया दिखाओ भाई पूरा। बस बस ये पूरी जगह एक उल्का पिंड से बनी है और ये अपने इंडिया में है, महाराष्ट्र में बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में है और लोनार सरोवर कहते हैं इसको। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत ही बढ़िया जगह है, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। जिसको भी आना है बिंदास ट्रेवो भाई को कांटेक्ट करना, बिल्कुल बिल्कुल मत करना, अपने हिसाब से आओ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बड़ा तुझे नाव का है आरती। चलो भाई दर्शन वगैरह सब कुछ हो चुका है, अभी निकलने की बारी है, अंधेरा होने वाला है जिसके वजह से जल्दी निकलना पड़ेगा। देखो भाई जैसे कि मैंने कहा था कि जाते जाते अपन मंदिरों को कवर करेंगे, तो यहाँ पे मेरे सामने एग्जैक्ट एक बहुत ही प्राचीन मंदिर पड़ा हुआ है, मतलब कि पड़ चुका है ना, गिर चुका है इसलिए मैंने उसको पड़ा हुआ कहा। अभी यहाँ पे ये जो मंदिर है इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी पूरा इस तालाब का इसके अंदर तक जा चुका है और मुझे लगता है यही इसके गिरने का कारण भी होगा। युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे हैं शायद, क्योंकि इन लोगों के हाथ में मुझे तलवारें दिख रही है, एक के हाथ में तलवार है, ये देखो ये दूसरी तलवार, ये यहाँ पे ये वाली तलवार इसके पेट में घुसी हुई है। या फिर हो सकता है कि ये डांडिया खेल रहे हो, आई डोंट नो, क्या कुछ भी हो सकता है ना। अब उन लोगों ने किस हिसाब से बनाया पता नहीं। अब ये सामने वाला जो पत्थर है उस पे देखो, दो आदमी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मतलब थोड़ा सा बस दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे यहाँ पे आना बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है ऐसा एक्सप्लोर करना, ये सब चीज़ें। अब तुम में से कितने लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं ऐसी चीज़ें या फिर ऐसा व्लॉग, मुझे एक बार कमेंट में बताएं, ताकि मैं फिर ऐसे ही कुछ व्लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दूं, या फिर मैं एक अलग चैनल बना सकता हूं जिसमें मैं ऐसी रहस्यमय चीज़ें आपको दिखा सकूं, है कि नहीं भाई। बहुत दूर जाना है यार, अब तो चलना हो नहीं रहा मेरे से। यहां पे दूसरा मंदिर आ चुका है जो मैंने आपको दिखाया था दूर से ही, अभी अंदर से देखेंगे इसको, लेट्स सी क्या क्या है। तो अरे भाई साहब आप यहाँ पे सेवा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं यार। आपका नाम बताइए। अमोल। अमोल गायकवाड़। गायकवाड़, अच्छा अच्छा। आप इस मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? प्लीज ये सॉन्ग बंद कर दीजिए, कॉपीराइट आ जाएगा। अंदर आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल भैया, आप शूज उतार दिए। शूज उतार दिए, नहीं सॉक्स भी है ना। सॉक्स निकाल दूं क्या? नहीं नहीं रहने दो। अच्छा ये मंदिर बताइए, बहुत बड़ी मंदिर है। फ्लैश लगाओ मोबाइल। ओह शिट, बहुत अंधेरा है अंदर। ओह नो। हमारे शिवजी का मंदिर है क्या भैया ये? हाँ बिल्कुल। हाँ ये बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत दिनों से सेवा करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? 10 साल हो गए भैया। 10 साल हो गए आपको? हाँ यहाँ पे सेवा करता हूँ मैं। प्राचीन मंदिर है ये, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। ये देखिए अंदर नहीं, अंदर नहीं बाहर रहिए। बहुत अंधेरा है, वहाँ अंधेरा है, दिख नहीं रहा कुछ भी। फ्लैश का भी ये हो नहीं रहा, नहीं दिख रहा। ये भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत अंधेरा है। आ जाइए बाहर, आ जाइए बाहर, आ जाइए। बहुत दिन चल रही है। हे प्रभु भाई, एकदम शांत माहौल है यहाँ पे, इतना शांत तुमने कभी देखा नहीं होगा। मैं शांति भंग करने आ गया, आई एम सॉरी। मैं 10 सालों से यहाँ पे सेवा करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये मूर्ति कला वगैरह इसके बारे में कुछ नक्काशी वगैरह हुई है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से ये। अच्छा इधर आइए जरा, ये देखिए भाई कितना प्यारा है। ये देखिए नक्शी कदम, ये देखो कैसे खतरनाक। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये पुरातन काल की है, पूरा पूरा पुरातन काल का है ना। पुरातन काल, मुझे लगता है लड़ाइयाँ चल रही है कुछ। हाँ और ये गिटार वगैरह, ये ही ना? गिटार नहीं, वो वीणा होता है भैया। वीणा, वो ये मंदिर पे ध्यान नहीं दे रहे आप लोग, क्या ये सीन? अभी कैसे हम कुछ नहीं बोल सकते ना, आप सिर्फ यहाँ पे सेवा करते हैं, मतलब है ना। हमारा काम है सेवा करना, हमारे साथ पूछते गए यहाँ पे। अच्छा तो ये सब देख रेख करने का काम किसका रहता है कि ये वो टूटे ना या फिर सही कर कर आ जाए? हम ही करते ना, वो गवर्नमेंट का काम है, पूरा पूरा गवर्नमेंट का। हाँ, काम है बाकी का, बाकी जो ये कचरा वगैरह ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए खा के डाला, ये हराम हमें उठाना पड़ता है। हम कुछ आते हैं ये वाला, ये जो है
यहाँ उठा दे उसको ऐसे। अच्छा ये देखो, ये क्या है, देखो ये किस पक्षी का है पंख, ये शायद तीतर गए। भाई मंदिर तो काफी ढह चुका है यार अंदर से, आप यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि हमने बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करी है इन मंदिरों की, इन मंदिरों का कोई भी ध्यान रखा जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से मुझे इस बात का खेद है। मैं चाहता हूँ गाइस ज्यादा से ज्यादा लोग लोनार में आए और इन सब चीजों को देखे, ताकि इस जगह पे जितने लोग आएंगे टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ के जो वो है सिस्टम है इनका जो भी है उन पे थोड़ा रेवेन्यू का वो हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा ना, जैसे आप लोग आएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसके वजह से ये लोग सुधारना कर पाएंगे, है कि नहीं? हमारी जो संस्कृति इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे है कि नहीं? हमने करेंगे तो और कौन करेगा? हमने जितना भी कचरा लाया था साथ में, हम जो पानी पिया और वो बोतल बची है ना, वो भी हम साथ में लेके जा रहे बैग में, ताकि उसको हम बाहर कचरे में फेंक सके, ना कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर है वो लोगों को खतरा रहता है ना प्लास्टिक वगैरह इन सब चीज़ों से। अब हम तो ठहरे इंसान, हमें उतना दिमाग है, लेकिन जानवरों को समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। चलो गाइस निकलने की बारी आ चुकी है, मंदिर हमने एक्सप्लोर कर लिया है, छोटा सा मतलब कि बड़ा मंदिर। लोनार का पूरा प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, बहुत दिनों से हम प्लानिंग कर रहे थे जाने की लेकिन जाना हो ही रहा था, लेकिन आखिरकार आज हो गया। ये देखिए यही जगह का सबसे खतरनाक पार्ट है गाइस, यही पे अपने को थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि जंगल बहुत ही घना है, कुछ भी हो सकता है। कड़ा हाथ में है, राइट हाइट तो पे हम देश चिंसेट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा एनाकोंडा है, हमें सूत्रों के अनुसार पता चला है, तो मैं बेयर ग्रिल्स बनने की थोड़ी थोड़ी तुम्हारी पॉटी निकल चुकी है भैया, बस इतना ही। चलो फिर आगे चलो, चिल्का फट गई है भाई की, ये किसने किया? अरे कौन रहे मैं तुम्हें, मैं लोनार सरोवर लगाए के कोरोना का, तुम्हें मेरे लोनार सरोवर को कुछ भी कर रहे गाइस, इनको बताओ क्या मैं इसको गप्पा शॉट देने की जरूरत है, बहुत गप्पा शॉट मैं दे तो तू गाइस, लेकिन मेरे पास यहाँ पे डीपीएस नहीं है, सस्ता सनी देवल बन चुका हूँ मैं गाइस। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, गपा गप आगे बढ़ना पड़ेगा गाइस। बहुत जिद्दोजहद करने के बाद हम दूसरे मंदिर पे आ चुके हैं, दूसरा मंदिर एग्जैक्ट मेरे सामने है। उसके पहले मैं आपको ये चींटियों का घर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, कहा जाता है कि इनमें सांप रहा करते हैं, रहने दो फिर हमें क्या करना। लेकिन भाई ये मंदिर कैसा होगा सोच तुम, अभी ये जो है ये देखो आगे श्री यज्ञेश्वर टेम्पल, शायद यज्ञेश्वर नाम है अपने महादेव जी का ही नाम है यज्ञेश्वर भी, और मुझे लगता है ये उस समय एकदम पुराने समय में ये मंदिर बहुत ही बड़ा हुआ करता था, अभी तो पूरा ढह चुका है भाई, पूरा ही देखो पूरा ढह चुका है, क्योंकि बहुत ही सालों पुराने मंदिर है ना ये, जिसके वजह से भाई खड़ा रह पाना मुश्किल होता है। ये देखो पूरा मंदिर ढह चुका है, एकदम पूरा संस्कृति तहस नहस हो चुकी है हमारी यहाँ की। मस्त मज़ा आता है लेकिन ऐसे व्लॉग वगैरह निकालने में। अब मुझे लगता है सिर्फ आखिरी मंदिर बचा है जो कि ऊपर है, वो भी शिव जी का ही है। यहाँ पे कुल मिला के मुझे लगता है सारे ही शिव जी के ही मंदिर थे, सारे सब के सब। मैं वहाँ पर जा सकता हूँ लेकिन क्या करेंगे वहाँ पर जाके, रहने दो। मेरे पैरों की लकड़ियाँ बन चुकी है भाई, फट चुकी है मेरी। यहाँ पे वो पुलिस वाले रहते हैं वो भी नहीं है अभी, सिक्योरिटी गार्ड्स, एवरीबॉडी वॉज गॉन फ्रॉम हियर। अभी बहुत चढ़ाई करनी बाकी है, ज़्यादा नहीं है मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन एकदम सीढ़ी चढ़ाई है ना, वो एकदम सीधी है जिसके वजह से फटेगी थोड़ी। लेट्स सी अभी क्या होता है, देखते। बहुत ही बकवास वास आया यहाँ पे, बहुत ही घिनौनी बदबू आई यहाँ पे बहुत, शायद किसी बंदर ने पादा है। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी दिखते यार, मोर, लेकिन आज मुझे एक भी नहीं दिखा ना उसकी आवाज़ आई। कितने खतरनाक पत्थर है भाई ये, मतलब जो उल्का पिंड गिरा है उसने इतना इम्पैक्ट डाला जिसकी वजह से पूरे पत्थर ऐसे ऊपर आ गए, इतना बड़ा गड्ढा बना 5 किलोमीटर का, सोच सकते हो वो इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, इसलिए इसे लोनार इम्पैक्ट क्रेटर बोला जाता है। इसके बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी है लेकिन मैं बता नहीं पाया सही से, क्योंकि मुझे हिंदी में उसका मतलब ही नहीं पता, मतलब हिंदी में कैसे बोलते हैं उसको। ज़्यादा कुछ जानकारी होगी तो मैं वो लगा दूंगा कहीं ना कहीं, या फिर तुम इंटरनेट से सर्च कर लेना, इतना क्या। चलो ये पत्थर देखो, यहाँ पे मेरा मन तो बहुत कर रहा है हाथ मुंह धोने का, तो धो ही लेता हूँ। अब मेरे सामने ये सीढ़ियाँ है, उनको मैं चढ़ूंगा कैसे वही समझ नहीं पा रहा। खड़क की सीढ़िया, कुलधारा गांव पे आ चुका हूँ मैं।
इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां कौन बनाते है भाई, फट गई मेरी इसमें थोड़ा सा चढ़की। अरे मत पकड़ भाई मेरे को मत पकड़, गरम हाथ लग रहा है तेरा, छोड़ दे हाथ छोड़ दे, पहले गरम हो रहा है। सीधा मंदिर के आवार में जा रहे हम गाइस, मेरे गोप्रो ओ मेरे भाई। ये रहा शिव जी का मंदिर जो वेल है, अभी भी अच्छा है, यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है। गाइस ये इस पूरे टूर का लास्ट मंदिर है जो आपको हम दिखा रहे हैं, उसके बाद में सीधा निकलेंगे घर। आ जाओ, ये मंदिर भी शिव जी का ही है, यहाँ पे 4 से 5 शिव जी के ही मंदिर है पूरे, जिनमें से ये बहुत ही खतरनाक है। मैंने बोला था खतरनाक का अर्थ होता है बहुत ही बढ़िया। हालांकि पूरा ढह चुका है ये आसपास से, लेकिन भाई शांति बहुत है इसमें, बहुत शांति। एकदम अंदर जाऊंगा नहीं, ज़्यादा भगवान जी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। देखिए ये देखिए भाई, हे भगवान, हे प्रभु भाई, अंदर जाके मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन अंदर बहुत ही अंधेरा है। मैं टॉर्च लगाऊ, लाइटें लगाऊ, कुछ भी लगाऊ, लेकिन तुमको कुछ भी नहीं दिखने वाला, क्योंकि मुझे खुद नहीं दिख रहा भाई मेरी आंखों से, और GoPro के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि नहीं दिखने वाला कुछ भी। GoPro लो लाइट में बहुत ही लुल हो जाता है। चलो गाइस, आपको हमने आज पूरे ब्लॉग में दिखाया कि कौन सी जगह हमने घूमी है, क्या क्या कौन सी जगह है, किस प्रकार से क्या बना हुआ है। अब मुझे लगता है इस ब्लॉग को ख़त्म करने की बारी आ चुकी है, लेकिन जाने से पहले एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे चढ़ाई कैसे करते हम। अब इस पूरे टूर का सबसे मुश्किल पड़ाव जो कि हमें पार करना है, यहाँ से सीढ़ियाँ है बहुत सारी, एकदम सीधी ढलान है, मतलब एकदम सीधा है, और जाना है अपने को बड़ी बड़ी स्टेप से जाना है। अब चढ़ेंगे ना, जैसे चढ़ेंगे ख़त्म हो जाएगा। चलो अभी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे भजन कीर्तन भी चलता है, तो हमारे सामने भजन कीर्तन चल रहा है, देखते कौन कौन क्या क्या गाने गा रहा है। तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव, सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भाई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर आ चुका है, ये देखो ये चढ़ाई, लग रहा होगा बहुत कम है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत चले हम, और ऐसा नहीं था, ऐसा 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 था, उसके वजह से पड़ गई। मुझे कोई उठा के ले जा सकता क्या? पड़ गई। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम्हें उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर खटिया लाएगा साथ में इसको उठाने को। पानी पिताओ पानी। चलो भाई शुरू करते हैं अभी ऊपर जाने की जर्नी। अगर धार के नीचे नहाने का हो जाए इंतजाम तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन आजकल इन्होंने बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों ये लोग नहीं नहाने देते। हे भगवान, जिंदा बचा लो बस ऊपर जाने तक। मैं बैठ रहा हूँ, आई एम सिटिंग हियर। GoPro डेड होने वाला है भाई मेरी तरह, जल्दी 10% बचा है, घर जाने वाला व्लॉग नहीं शूट कर पाऊंगा। इसके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से, मैं समझ नहीं पाता। नहीं।
चलो चलो भाई ऊपर आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ। तुम्हारे माई थे बट्टे आ गया भाई ऊपर। यार उस धार में अगर नहाने का इंतजाम हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन नहाने देते नहीं ना ये। चलो भाई जर्नी ख़त्म हो चुकी है अपनी। मैंने आपको अब तक जो भी दिखाया, अगर आपको उसमें से कुछ भी पसंद आया हो कुछ भी, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और मुझे इस पर सिर्फ और सिर्फ चाहिए 10,000 लाइक्स। 10,000 लाइक्स आप लोग कर सकते हो इतनी मेहनत के लिए ऑब्वियसली। हाँ अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे कोई एडवेंचरस व्लॉग्स देखना तो मुझे कमेंट में बताएं। सच कह रहा हूँ भाई ये जगह बहुत ही प्रीमियम है, यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं इतना फेमस होने के बावजूद, क्योंकि मुश्किल बहुत है चढ़ना उतरना, जंगली जानवर ये वो सब कुछ चीज़ें होती है ना जिसके वजह से आना नहीं होता इन लोगों का। और ऑब्वियसली फटती भी है, कपल्स लोग जाते हैं जोड़ी जोड़ी में पता नहीं क्यों, और वो भी ये बंद होता है उसके टाइम ही जाते हैं ताकि आते वक्त अंधेरा हो जाए, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। शर्म आनी चाहिए। एक बार मुझे यहाँ पे आके बहुत सुकून हुआ, बहुत मज़ा आया मेरे को। कितना अच्छा होता अगर मैं पंछी होता तो मैं ऊपर चढ़ जाता, मतलब इसके ऊपर तैर के देखता इसको कैसा रहता है। तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना भी इसमें क्या खास है, खास तो है भाई, खास तो है, पूरे एशिया में सिर्फ एक ही है, एक ही है एशिया में, और मुझे लगता है पूरी दुनिया में 8 या फिर 9 ही ऐसे क्रेटर है बड़े, और उसमें भी सॉल्ट वाटर वाला तो ये एक ही है शायद। मतलब कि जो पत्थर वहाँ से गिरा था ना इसके अंदर, उसमें ही सॉल्ट के जो गुण होंगे वो उसके साथ में आए और फिर ये बना, उसी वजह से शायद इसका पानी जो है वो खारा है अभी भी। मुझे बहुत खुशी हो रही भाई, जाने का मन नहीं हो रहा ऐसे, लेकिन अभी क्या कर सकते, जाना पड़ेगा वरना घर वाले पेल देंगे मेरे को, है कि नहीं। GoPro की चार्जिंग भी ख़त्म ही होने वाली है, करते अभी जुगाड़ निकलने की कोशिश करते। कितनी चार्जिंग बची है इसमें अभी, 3%। चलो हो जाएगा इसका काम, हो जाएगा गाइस। अभी मैं मुझे लगता है अभी बस हो गया, अब मैं व्लॉग बंद कर दूंगा।